आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ निशा गौतम। किसानों की हक को लेकर राजस्थान के राजसमंद के चारभुजा में कांग्रेस ने किसान महारैली का आयोजन किया है, जहां हजारों की संख्या में किसान परिवार पहुंचे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने जमकर केंद्र और राज्य की वसुंधरा सरकार पर निशाना साधा है। दूसरी तरफ 2 अक्टूबर को किसान दिल्ली में रैली करने वाले हैं, जिसके लिए हजारों किसान हरिद्वार से चलकर गाजियाबाद तक पहुंच चुके हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली में आने की इजाजत नहीं दी है और सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि किसान अपनी 9 मांगों को लेकर सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखना चाहते हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि देश का किसान क्यों सड़क पर उतरने को मजबूर हो रहा है, आखिर वजह क्या है, क्यों सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है। बड़ी खबर में इसी मुद्दे पर आगे चर्चा करेंगे। किसानों को लेकर जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं, तो वहीं किसानों को अब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल रविवार को राजस्थान के राजसमंद में कांग्रेस किसान महारैली का आयोजन किया गया, जहां किसानों के लिए कई वायदे किए गए। वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार से हजारों किसान दिल्ली में 2 अक्टूबर को राजघाट से संसद तक विरोध मार्च निकालने वाले हैं। पेश है एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा। किसानों की हुंकार, कांग्रेस किसान महारैली का आयोजन, राजस्थान के राजसमंद में हुआ आयोजन। पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट, अशोक गहलोत, डॉक्टर सीपी जोशी समेत कई मौजूद। हजारों की संख्या में पहुंची किसान परिवार। सचिन पायलट ने किसानों से मांगा समर्थन, वसुंधरा सरकार पर साधा निशाना। राजस्थान में किसानों की हालत खराब, राजस्थान में होने हैं विधानसभा चुनाव। अधिकतर आबादी आज भी किसानों पर निर्भर है, लेकिन आज इन्हीं किसानों को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आखिर क्यों किसानों की मांगों को सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। देखा जाए तो पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी राजनीतिक पार्टियां हमदर्दी दिखाने के लिए किसानों को चुनावी मुद्दा बनाकर सियासत का दाव खेल रही है। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में राजस्थान के राजसमंद में कांग्रेस ने किसान कार्ड खेलते हुए किसान सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने खुद को किसानों का हिमायती बताया और केंद्र व राज्य की वसुंधरा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस के लिए समर्थन मांगा। इस विशाल किसान महारैली के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी जोशी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने उदयपुर से विशेष किसान महारैली बस में सवार होकर राजसमंद के दौरे पर निकले, जहां जगह जगह उनका किसानों और कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। वहीं सबसे पहले सभी कांग्रेसियों ने राजसमंद के चारभुजा के प्रसिद्ध चारभुजा नाथ मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद विशाल किसान महारैली कार्यक्रम में शिरकत की। इस किसान महारैली में उदयपुर संभाग के कई क्षेत्रों से किसानों ने हिस्सा लिया और किसान विरोधी बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। वहीं इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी जोशी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसानों की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। मेवाड़ के इलाके का जो किसान है, चाहे वो बांसवाड़ा का हो, बीजापुर का हो, उदयपुर का हो, राजसमंद का हो, चित्तौड़ का हो, भीलवाड़ा का हो, जिस किसान के पास कम जमीन है और जो 5 वर्ष की मिट्टी तक यदि मोटर का काम लेता है, तो हम चाहते हैं कि घोषणा पत्र में मांग करें कि जब हमारी सरकार आएगी तो 5 वर्ष के जितने कंजूसर है उसके ऊपर बिजली का लाभ नहीं लेंगे। जब हम ये बात करना चाहते हैं, जब हम ये बात कर रहे हैं, तो हमारे पीछे
मंशा है कि 5 करोड़ ट्रॉलर की बिजली माफ करने से यहाँ के किसान के पास कोई बहुत बड़ी नहीं है, उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। पर राजस्थान की सरकार बनाने में यहाँ का किसान अपना हक महसूस करना चाहता है, इसलिए मांग करना चाहता है कि जगह में यदि 5 करोड़ की बिजली माफ करते हैं तो कोई 1000 करोड़ रुपए के माफ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करोड़ रुपए के माफ करने से ही यहाँ के लोगों को लगेगा कि यहाँ के किसान के जीवन में परिवर्तन करने के लिए हम कुछ काम करने का काम करना चाहते हैं। वहीं डॉक्टर सीपी जोशी के संबोधन के बाद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने भी वसुंधरा सरकार पर जमकर निशाना साधा। की जो नीति और नियत है उसको बदलना पड़ेगा, ये देश बदल रहा है, राजस्थान बदल रहा है, बदलाव सरकार में भी होगा और इस प्रदेश में राज करने वाले लोग अब राजे महाराजा के कोख से पैदा नहीं होंगे, किसान आदमी के घर से निकलकर जो लोग आएंगे उन लोगों को सेवा करने का मौका मिलेगा। मैं आप लोगों को अंत में पुनः आश्वासित करना चाहता हूँ कि किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो कुछ कांग्रेस पार्टी लोग करना हम लोग करेंगे। आप सबसे मेरा आग्रह कि कांग्रेस को मजबूत करें और हाथ के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत पर चुनाव जिताए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दूसरी तरफ किसानों का मुद्दा हमेशा से राजनीतिक विवादों में फंसता रहा है, ऐसे में अब देश भर के किसानों ने भारतीय किसान यूनियन की अपील पर 2 अक्टूबर को दिल्ली में पहुंच रहे हैं। किसानों की हुंकार, किसानों का मुद्दा बना राजनीतिक। हरिद्वार से किसानों का जत्था पहुंचा गाजियाबाद। देश भर के किसान पहुंच रहे हैं दिल्ली। 2 अक्टूबर को राजघाट से संसद तक करेंगे मार्च। किसान बीजेपी सरकार का करेंगे विरोध। 9 मांगों को लेकर किसान आंदोलन रत। दिल्ली पुलिस ने रैली की नहीं दी इजाजत। गाजियाबाद से सटे इलाकों को किया सील। किसान अब हरिद्वार से निकलकर यूपी के गाजियाबाद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं मिलने पर जत्थे को रोक दिया गया। किसानों की योजना 1 अक्टूबर को दिल्ली में प्रवेश कर 2 अक्टूबर को राजघाट से संसद तक मार्च करने का है। स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है C2+50 जो फार्मूला सरकार के पास ही रखा हुआ है, अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने कहा वो लागू नहीं करा, 4 साल हो गए। जो पुराने ट्रैक्टर हैं, 10 साल पुराने ट्रैक्टर है, इंजन है, जनरेटर है, पंपिंग सेट है, 10 साल पुराने, उसमें तो किसान बर्बाद हो जाएगा, एक ही ऑर्डर से किसान ख़त्म हो जाएगा। यही फसल बीमा का हाल है, पंजाब में बहुत फसलें बर्बाद किसान की बरसात में हुई, लेकिन कंपनियां वहां पे भागी अपने ताले लगा के, कोई कंपनी के नहीं है, तो ये पूरा फेलियर षड्यंत्र है। गन्ना भुगतान का एक बड़ा सवाल है, करीब 22,000 करोड़ रुपए पूरे देश में गन्ना भुगतान है आज, वो गन्ना अगर पैसा आएगा किसान के पास में तो व्यापारी के पास भी जाएगा, वो मजदूर के पास भी जाएगा, उसमें सबका हिस्सा है। किसानों ने क्रांति यात्रा के तहत 9 प्रमुख मांगे उठाई हैं, इनमें सबसे अहम किसानों की कर्ज माफी है, साथ ही उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की है। किसानों की शिकायत है कि उनकी समस्याओं के प्रति सरकार गंभीर नहीं है, इसी के चलते देश भर में आंदोलन हो रहे हैं। फसल की सही कीमत न मिलने के कारण किसान दिनों दिन खुदकुशी के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक मांग ये भी है कि जिन किसानों ने खुदकुशी की है उनके परिवारों का पुनर्वास किया जाए और नौकरी दी जाए। बहरहाल देश भर में किसानों का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है, जिसे राजनीतिक दल अपना चुनावी मुद्दा बनाकर सत्ता पक्ष को घेरने में लगी हुई है। ऐसे में जो कुछ भी हो, लेकिन असलियत में आज भी हमारे देश के किसानों की हालत दयनीय है, इसके लिए सरकार को गंभीर होने की जरूरत है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो जिस तरह से लगातार किसान परेशान हो रहे हैं, अब किसानों की जो महारैली है, कांग्रेस की किसान महारैली है, वो देखने को मिल रही है। किसान भी बड़ी संख्या में यहां पहुंचकर तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं सरकार पर निशाना साध रहे हैं, साथ ही यहां पर जो लगातार
देखने को मिल रहा है वो सबसे हैरान करने वाला है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता है सरेंद्र लांबा, हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। वहीं बीजेपी की नेता है हमारे साथ शीलता भाई, हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। सुरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। कांग्रेस किसान महारैली का आयोजन किया गया है, आखिर कांग्रेस जताना क्या चाहती है? क्या बीजेपी सरकार किसानों की विरोधी सरकार है? निश्चित रूप से निशा जी, जिस प्रकार के हालात पिछले 4-4.5 साल से देश और प्रदेश में है, किसान जिसको अन्नदाता कहा जाता है, किसान जिसको जीवनदाता कहा जाता है, भारतीय व्यवस्था में बात करें तो किसान एक बहुत बड़ा वर्ग है। 70% लोग गांव में रहते हैं, कृषि का कार्य करते हैं, लेकिन जो सुविधाएं जो हमारी पिछली, चाहे वो केंद्र की यूपीए सरकार थी चाहे राज्य की कांग्रेस सरकार थी, उस समय जो सुविधाएं दी जा रही थी उसमें भारी मात्रा में कटौती हुई। किसानों को जो कृषि जो यंत्रों में छूट थी और इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ा दिए गए, पर्याप्त जो सिंचाई साधनों की सिंचाई हो नहीं पा रही है, और एक तरफ देश में नोटबंदी निशाना साधने से दूसरे पर आरोप लगाने से ये साफ नहीं हो जाता कि आपकी सरकार भी किसानों के लिए कार्य कर रही थी? किसान तब भी परेशान था निशा जी, जिस प्रकार सैकड़ों किसानों ने प्रदेश में सुसाइड की है, और इनके जिम्मेदाराना लोग ये कहते रहे हैं कि वो सुसाइड किसानों ने परेशान होके नहीं की, वो उनकी घरेलू समस्या थी, वो आंतरिक कलह वजह थी। तो मैं ये, उससे पहले हमारी सरकार रही है, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि बयानबाजी करने से कोई समाधान नहीं हो जाता, लेकिन जब हमारी सरकार रही सेंटर में और स्टेट में, तो हमने जो किसानों के लिए किया वो किसानों को आज भी याद है जी। लेकिन ये दुर्दशा, मैं तो ये कह रहा हूँ शायद देश की आजादी के बाद सरकारें कांग्रेस के अलावा और भी रही होगी, लेकिन जो दुर्दशा वर्तमान सरकारों में वो भाई भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। हमारे इस जी आपसे जानना चाहूंगी, आखिर बीजेपी सरकार किसानों की मांग पूरा करने में सफल क्यों नहीं हो रही है? किसान क्यों सड़कों पर उतर रहा है? देखिए निशा जी, 4-4.5 साल तक कांग्रेस ने किसानों का कोई हाल नहीं पूछा। ये विधानसभा में आके अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने एक भी समस्या किसानों की नहीं उठाई। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के 50,000 तक के ऋण माफ कर दिए हैं, बिजली में जो है इनके बिजली के बिल माफ कर दिए हैं, और जिस तरह से किसान बीमा योजना चल रही है, और जिस तरह से किसानों को एग्री मीट करके नए नए साधन उपलब्ध कराए, जल स्वावलंबन के तहत किसानों के खेतों में पानी पहुंचाया है, आज किसानों की जो सब्सिडी थी उसमें 200, 400 और 1900 रुपए तक की बढ़ोतरी की है, तो इन बातों से घबराकर कांग्रेस एक किसानों के नाम पर जनता के सामने, इनके पास कोई मुद्दे है नहीं तो जनता को ये बरगलाने का काम कर रही है। आज भारत का किसान जानता है कि जितना किसान हितैषी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार है उससे आम जन ही नहीं, किसान की बात को बड़ी करूंगी, तरह से संतुष्ट है, बात को बड़ी करूंगी। आय को अगर सरकार इतनी योजनाएं ला रही है और किसानों को फायदा हो रहा है तो किसान सड़कों पर क्यों है? आज अन्नदाता क्यों परेशान है, क्यों सड़कों पर उतर रहा है? देखिए, सड़क पर उतरने की कोई बात नहीं है। देखिए, जितनी भी मांगे हैं सरकार उनको मांग रही है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आते हैं उसमें सारी मांगे तो सरकार पूरा नहीं कर सकती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी की सरकार है और उनका हर तरह ध्यान रख रही है। पहले मुझे ये बताएं कि इनकी जब केंद्र में सरकार थी कितने किसानों ने आत्महत्या की थी? यहाँ पर ये झूठे बहाने करके कितने किसानों ने, यहाँ पर कोई भी ऐसा किसान नहीं है जो ऋण की वजह से, जो कांग्रेस के राज में 80% सब्सिडी तक थी वो आज 40% है, जो हमारे सरकार में जो 20% कर दिया आपने। शिल्दा भाई जी, आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती,
किसान परेशान है, अगर परेशान नहीं होता तो आज वो सड़कों पर नहीं उतरता। नहीं, इस बात को समझिए, अगर आज अन्नदाता सड़कों पर है तो कोई ना कोई बात जरूर है, वो परेशान जरूर है। इस बात को सरकार को समझना बेहद जरूरी हो गया है। देखिए निशा जी, मैं बार बार यही बात दोहरा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसान हितेशी सरकार है, और जो भी सरकार जो भी किसानों की मांग रही है उनको बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण विचार करके उस पर कार्रवाई की है। मैं आज आपको बता दूं, आज जो हमने सबसे बड़ा जो काम किया है कि जो बीज के बिचौलिए थे उनको समाप्त कर दिया। आज जो भी पैसा आता है सीधा किसान के खाते में जाता है। अब मंडियों में जो फसल आती है सरकार उसको सब्सिडी देके उसको गोदामों में भर रही है। किसान कर रही है फसल, आज किसानों को फसल रोड पे फेंकने को मजबूर है। और जो जिस कौन से बिचौलियों की बात कर रहे हो, कांग्रेस किसानों का इनके सभी सबसे फसल रोडो पे आइए। सुरेंद्र जी, वो अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद आपको भी पूरा मौका दूंगी बोलने का। बोलिए शिल्ता भाई जी। मैं यही कर जी, बिल्कुल मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि जिस तरह से इनके सरकार में जो बिचौलिए जो पैसे बीच में खा जाते थे, किसान तक नहीं पहुंचते थे, आज सारा जो पैसा है किसानों के पास पहुंच रहा है। आज एक किसान अपनी मंडी से लेके आजाद है, वो देश के किसी भी मंडी में अपनी मर्जी से कहीं पर भी अपनी फसल को बेचे, और सरकार सब्सिडी दे करके, मैंने बताया जैसा 200 रुपये 400 1900 रुपए तक की सब्सिडी दी है हर फसल पर। सरकार ने उनको सहायता देने के प्रयास किया, उनकी बीमारी का ध्यान सरकार रखती है, उनके परिवार का ध्यान रखती है। अगर भी किसान बीमार है तो उसके जो बीमा के तहत उनको पैसा उनके घर में पहुंचाया जा रहा है, उनको नए नए तरीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। सरकार अगर इतना ध्यान रख रही है तो आपको आपत्ति क्यों हो रही है? आप क्यों किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से निशा जी, मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि अगर किसान इतना जितना शीला जी बता रहे हैं उसका 20% भी ध्यान रखेंगे तो हम माला लेके इनका स्वागत करेंगे कि आपको राजस्थान की जनता कर रहे हैं। हमने तो 50,000 तक के किसानों के ऋण माफ कर दिए। किसान की सुन रहे हो, और जितने वो लाभार्थी है वो आके सामने सामने बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने ऋण किया, ये पहली सरकार है जिसने किसानों के इतने भारी मात्रा में किसानों के ऋण माफ किए थी, वो इन्होंने घटा दी। एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ गई, किसानों को जो देश में नोटबंदी हुई उससे किसान परेशान हुआ, उसके जो उसको प्रॉपर फसल की कीमत नहीं मिल पा रही है, फसल की कीमत दी है सरकार ने, उनकी समर्थन मूल्य पर खरीद की है उनकी। देश का किसान इनसे परेशान है। आपने मैडम सिंधाबाई जी ने बात की, सुरेंद्र जी आपको रोकना चाहूंगी। किसान पंचायत के जो नेता अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रामपाल जाट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामपाल जाट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी, राम राम। रामपाल जी, आज किसान जो है वो सड़कों पर है, किसान की सिर्फ मांग यही है कि कर्ज माफी की जाए, मूल्य यानी कि जो उसकी फसल है उसका सही मूल्य मिले, लेकिन उसके बाद भी आखिर बात क्या है, वजह क्या है, क्यों सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है? निशा जी, सरकार किसानों को प्राथमिकता देती नहीं जी, बल्कि किसानों को सरकार मानती है डिस्पोजल प्लेट, कि इनमें जलेबी रखो खाओ और प्लेट को फेंक दो। तो जब तक चुनाव नहीं आता हर राजनीतिक नेता और दल किसान की भले की बात बोलता है, जैसे ही वो राज में आता है किसानों को भूल जाता है और पलटा खा जाता है। यही व्यवहार लगातार सभी राजनीतिक दल किसानों के साथ करते आ रहे हैं, और दूसरे ढंग से कहूं तो ये छलावा है किसानों के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने रामपाल जी, एक छलावा है। शिल्दा भाई जी, क्या कहेंगी आप?
देखिए रामपाल जी भी समस्याएं उठाते रहे हैं, सरकार से इनकी वार्ता होती रही है और जितनी भी समस्याएं मुख्यमंत्री जी ने किसानों की जो वार्ता से बातें निकल के आई हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया है। सुलझाने का प्रयास किया है शिल्दा भाई जी, यह समस्याओं का हल भी निकला है। बिल्कुल समस्याओं का हल भी निकला है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाई है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिस जो भी किसानों की मांगे होगी सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी और सरकार हमेशा किसानों की हितैषी रही है और जहां तक हो सका है किसानों के हित में ही काम किया है, उनकी फसल का मुआवजा देने का भी प्रयास किया है और उनको नई 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 तकनीकों से जोड़ने का प्रयास किया है। आप सरकार से विदाई लेने वाले हैं, आप तो मुंगेरी लाल के सपने पाल के बैठे हैं, समय कभी पूरे होने वाले नहीं। आज कांग्रेस कह रही है कि किसान पूरे होने नहीं है, किसानों की मांगों के लिए सड़कों पर कांग्रेस के साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है। आपके पास कोई क्या लग रहा है आने वाले समय में इसका कोई जवाब रहा है? निशा जी, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया 2004 में, उसकी रिपोर्ट आई 2006 में, उसको लागू करना था 15 अगस्त 2007 से, जिसमें किसानों को उनकी उपजों के लागत से 1.5 गुना दाम तय होने थे, खरीद ग्राम स्तर पर होनी थी, खरीद वर्ष के 365 दिन होनी थी, मंडियों में नीलामी बोली एमएसपी से शुरू होनी थी। ये सब काम 2007 से लेकर 14 तक तो कांग्रेस ने नहीं किया और कांग्रेस के बाद में जो बीजेपी आई जिसने लगातार इसी को मुद्दा बनाया उसने 4 वर्ष नहीं किया। तो दोनों दल एक जैसा व्यवहार करते हैं किसानों से, दोनों दल किसानों को ठगने का काम करते हैं, उनको किसान की केवल वोट चाहिए और वोट लेकर फिर वो किसानों को भूल जाते हैं। दूसरी चीज, हमने अभी भी कांग्रेस से लगातार कह रहे हैं यदि वो ऑनेस्ट है किसानों के बारे में तो जो किसानों के लिए ये रिपोर्ट है इसके बारे में अपने स्टेटमेंट दे, अपना अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हो तो उनका भी है वहां उसको पास करे और उसमें प्रस्ताव लाए कि हम इसके आधार पर कानून बनाएंगे। हमने कानून बना के दिया हुआ है, उस कानून को अपने पंजाब तो विधानसभा इनकी है वहां उसको पारित करे कानून को, लेकिन ये करना कुछ नहीं चाहते, केवल केवल किसानों की बात करके दूसरी पार्टी से गाड़ी देकर गाली गलौज करके राज प्राप्त करना चाहते हैं। जब तक ये नियत इन पार्टियों की बनी रहेगी तब तक ये पार्टियां किसान के किसी भी काम की नहीं आएगी, किस काम नहीं आएगी, आज भी नहीं आ रही और कल भी नहीं आएगी। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे अब आप, क्योंकि रामपाल जी ने जो सवाल उठाए हैं, जो कहा है, क्या कांग्रेस पार्टी उस तरीके से काम करेगी? रामपाल जाट साहब किसान नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो किसानों की आवाज उठा रहे हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, लेकिन मैं उनको जानकारी के लिए बता दूं कि जब हमारी सरकार थी तो 65,000 करोड़ रुपए का किसानों का ऋण माफ किया गया था। हम ये नहीं कह रहे हमने कोई दया की, वो किसानों का ही पैसा था, वो किसानों के पास है गया। जब कांग्रेस की देश और प्रदेश में सरकार थी जो किसानों को खेतों में जो वाटर स्टोरेज बनाने के लिए 80% तक सब्सिडियां थी, किसानों को बीज के लिए, किसानों को संयंत्र खरीदने के लिए थी, किसानों की जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट थे वो बहुत कम थे। लेकिन अब जो सरकार आई है, और मैं ये कह दूं कि आपने पंजाब और कर्नाटक, पंजाब में भी जिक्र किया, पंजाब में भी, और मैं तो ये कह रहा हूं कि एक स्टेट महाराष्ट्र में बीजेपी ने भी और कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीयू की सरकार ने भी, जनता दल की सरकार ने किसानों का ऋण माफ किया है। राजस्थान में चूंकि वसुंधरा जी जिस सामंत साई से बिलोंग करती है उनको किसानों से कुछ लेना देना नहीं है, वो किसानों की कुछ सुनती नहीं है, किसानों का एक लंबा आंदोलन चला, किसान संगठनों ने भी चलाया, और राजस्थान में सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया, उसका रिजल्ट इन्होंने मजबूर होकर के जो किसानों के ऋण माफ करने की बात की थी। पहली बात,
ये ऋण माफ करने के लिए तैयार नहीं थे, बाद में कहा कि हमें ऋण दो दो लाख की बात हुई, 50,000 में आके अटके, 50,000 में कांग्रेस क्या करेगी, बताइए। 20,000 रुपए के चेक, 13,000 रुपए के चेक, 12,000 रुपए के चेक, किसानों का ऋण तैयार है, हमको इतना जोर क्यों आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये राफेल के नाम से हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर सकते हैं, लेकिन अरे इतना तो पूरी सरकार, पूरी सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लेकिन उनकी फसल का दाम उनको सही मिल जाए। और रामपाल जी जाट साहब बैठे, मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी आ जाती है किसान मजदूर आम जन की ऐसी पार्टी है, जब हमारी पार्टी को हमारा तो यूपी में देख लो, यूपी में हमने किसानों का ऋण माफ किया है, मध्य प्रदेश में देख लीजिए वहाँ पर ऋण माफ किया है, और यहाँ पर जितना ऋण माफ किया है उतना ही ऋण देने को तैयार है। आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसे तो यही लगता है कि सिर्फ यहाँ पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए तमाम तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही है, चुनाव सर पर है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाने से राजनीतिक पार्टियां बास नहीं आ रही है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए गए उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में भी ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, सिलसिला है, वो लगातार इसी तरह से जारी रहेगा। किसानों के बारे में किसको सोचना है, किसको नहीं सोचना है, यहां पर साफ दिख रहा है, सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाकर किसानों को लुभाया जा रहा है ताकि वोट बैंक की राजनीति की जा सके। बड़ी खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।